हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और अगर ठीक हो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को, और पॉजिटिव रहो यार, हैप्पी रहो। ऑल्सो ये जो वीडियो है, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। मैं कोई कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग ही कर रही हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं रेड कैंडल से आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स फीलिंग्स क्या होने वाली है, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या होने वाली है, उनकी डीपेस्ट डीपेस्ट इमोशंस आपको बताऊंगी रेड कैंडल से। और जैसे ही रेड कैंडल से आप उनकी रीडिंग देख लूँगी, उसके बाद सेम वाटर में आई विल सी आपकी फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो विद दिस वाइट कैंडल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत मैं रेड कैंडल लाइक आपके पर्सन की फीलिंग्स से करती हूँ। लेट्स लाइट द कैंडल। फोकस अपना अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको क्लियर मैसेजेस मिल पाएंगे। ओके, सोचे उनके बारे में। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस क्या होने वाले हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग 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 अट्रैक्शन फील करेंगे ये पर्सन, स्ट्रॉन्गली आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे। प्यार, बहुत ही सॉलिड मुझे प्यार वाला फीलिंग यहाँ पे इस पर्सन के अंदर अगले जो 72 आवर्स है उनमें दिखाई दे रहा है। आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे रीयूनाइट होना चाहेंगे, आपके प्यार को फील करना चाहेंगे एक बार फिर से। दे विल वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड्स, आपका हाथ हाथों में लेना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि जैसे आपका प्यार इज हीलिंग, इज मैजिकल, आपका प्यार मैजिकल है, ऐसा इस पर्सन को फील होने वाला है अगले 72 घंटों में। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपसे मिलने की, आपको सामने से देखने की, आपको फील करने की, आपको टच करने की डिज़ायर। सी, जैसे ही मैं डिज़ायर पैशन की बात कर रही हूँ, फ्लेम बढ़ते जा रही है, ठीक है? तो प्यार बढ़ते जाएगा, इस पर्सन की इच्छा आपसे मिलने की, बात करने की, आपको टच करने की बढ़ती जाएगी विद टाइम। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल फील करेंगे, ये चाहेंगे कि आपको कोई इमोशनल ऑफर दे, और चाहेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर ले, ठीक है? बहुत ही ढेर सारा प्यार और प्योर लव वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। पैशन, लव, अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की अगले 72 घंटों में। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके बिना, जब से आपसे बात करना बंद कर दिया है, जब से आपसे दूरी बना ली है, तब से इस पर्सन का एक एक दिन, एक एक पल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला रहा है। बहुत ज़्यादा पेन इस पर्सन ने सहा है, बहुत ज़्यादा दुख में ये पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं। सोते रहना या रात को सो ना पाना, दिन भर सोते रहना, इस पर्सन के फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, लाइक बैक पेन, सर दर्द। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने एक भी समय आपको, आपसे बात ना होने के बाद खुशी का एक भी पल बिताया है। भले ही लोगों के लिए वो हंसते हो, भले ही वो लोगों में रहते हो, हंसते खेलते दिखते होंगे आपको, लेकिन दे आर लाइक, वो इस सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे अगले 72 घंटों में। वो इस सेपरेशन को एंड करने के बारे में सोचेंगे कि भाई मुझे नहीं रहना सेपरेशन में, बहुत हो गया। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा परेशानी ये पर्सन महसूस करेंगे कि उन्हें, उनकी इच्छा होगी कि बस अब इस दुख से, इस दर्द से मैं अपने आप को बाहर निकालूं। तो हो सकता है कि ये आपको रीच आउट करे, क्योंकि दे वॉन्ट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दे वॉन्ट टू एंड दिस सेपरेशन। वो अब अपने आप को भी दुख दर्द नहीं देना चाहते और आपको भी दुख नहीं देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप भी दुखी हो, उन्हें पता है कि उनके उनका आपसे बात ना करना, मिल ना पाना उन आपके लिए भी दुखदायक है, इसलिए वो आपको और दुख नहीं देना चाहते हैं। मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। ये पर्सन हैवीली स्टॉक करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे, और अगर आपके फ़ोटोज़ पे कोई और लाइक करता है, अगर आपसे आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग, नए लोग ऐड हुए हैं, आपके नए दोस्त बनेंगे, देखिए पर्सन बहुत चिढ़ने वाले हैं। ओके, इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड टू देयर बर्डन।
उन्हें और ज़्यादा परेशानी होने वाली है उसकी वजह से। ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में थे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि उनके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो कंपेयर करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कितना फ़र्क है। आप जो प्यार देते हो वो कितना सेल्फलेस है, दिल से है, जेन्युइन है, उसमें कोई लस्ट नहीं है, उसमें कोई कोई आप कुछ मांग नहीं करते हो इस पर्सन से। यू जस्ट लव देम। आपकी ये भी इच्छा नहीं होती है कि ये पर्सन आपको उसके बदले कुछ दे। सेल्फलेस, जैसे माँ एक बेटे से करती है ना प्यार, सेल्फलेस उसी तरह आप इस पर्सन की केयर करते हो, उसी तरह आप प्यार करते हो और हील करते हो, उस पर्सन के टूटे हुए दिल को आप जोड़ते हो। देख रहे हो कैसे गैप्स भर रहे हैं यहाँ पे, मैं जब वैक्स को गिरा रही हूँ लिटरली आप इनके दिल के दर्द को भरते हो, आप इनको हील करते हो, एंड दे नो दैट। ठीक है, तो ये पर्सन कंपेयर करेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनके लाइफ में सिर्फ इनके पैसों को देखकर या अट्रैक्शन के चलते या सेक्सुअल अट्रैक्शन के चलते या किसी और चीज़ों के चलते ये पर्सन उनके ज़िंदगी में आया है, ठीक है, और सिर्फ मज़े मस्ती करने के लिए, फ्रेंड्स घुमाने के लिए, घूमने के लिए, कोई उनका प्योर इंटेंशन नहीं है, तो कंपैरिजन होने वाला है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपके केस में और आप जानते हो कि नहीं देर इज़ नो थर्ड पार्टी, यू आर वेरी श्योर, तो मुझे लगता है ये पर्सन लिटरली चाहेंगे कि वही प्यार, वही अफेक्शन और वैसा ही माहौल आप दोनों के बीच में फिर से हो जाए जैसे पहले था, जैसे पहले आप उन्हें प्यार करते थे, आप उनके दोस्त भी थे और आप उनके लवर भी थे। ठीक है, तो दे विल वॉन्ट इट ऑल बैक। आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे ये पर्सन, बहुत दुखी होंगे, आपकी यादों में खो चुके होंगे ये पर्सन। ओके, अगर आप दोनों कहीं समुंदर किनारे गए थे और हो सकता है ये पर्सन भी वहीं वहाँ फिर से रिविजिट करे और उन्हें आपकी याद आने लगे, उन्हें फील हो कि उन्हें आपकी प्रेजेंस फील होगी वहाँ पे। ठीक है, अगर वो अपने दोस्तों के साथ भी कहीं जाते हैं पार्टी में या कहीं पे भी अगले 72 आवर्स में, उन्हें वहाँ पे भी अकेला रहना अच्छा लगेगा, उन्हें आपकी याद सताएगी, उन्हें आपकी यादों से ये पर्सन बिल्कुल छुटकारा नहीं पा पाएंगे। ठीक है, यस, मुझे ऐसा विजन दिख रहा है कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं, कोई शादी या बर्थडे पार्टी या कुछ इवेंट है और उन्हें यहाँ वहाँ पे इनवाइट किया है, बीच भी हो सकता है, कोई बीच या पानी की जगह हो सकती है, और ये पर्सन उनमें रहकर आपको मिस कर रहे हैं, मतलब उन्हें याद आपकी आ रही है, वो बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन उनको याद आपकी आ रही है और वो अपने आप को सबसे अलग कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और रो रहे हैं या फिर मन ही मन में दुखी हो रहे हैं आपके बारे में सोच के कि अगर तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो तुम भी आती मेरे साथ और हम एंजॉय करते, ऐसा कुछ ये पर्सन सोचेंगे। अगला 72 घंटों में ये पर्सन को ऐसा फील होगा, ये मैनिफेस्ट करेंगे लिटरली, आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, यूनिवर्स उन्हें जो भी चाहिए वो वापस दे रहा है। तो इन्हें पता हो ना पता हो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट वो करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। वो इतना ज़्यादा याद करेंगे आपको कि वो चीज़ें अपने आप होने लगेगी, उन्हें वो एक्स्ट्रा से करनी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें होने लगेगी। ओके, दे विल वॉन्ट यूनिवर्स कुछ कुछ मैजिक हो जाए और आप उनके पास आ जाओ। मुझे लगता है इस पर्सन ने अगर करियर के लिए या अपने किसी फायदे के लिए आपको छोड़ा था तो वो कोई मेजर डिसीजन लेंगे और आपको अपने लाइफ में जो जगह इन्होंने आपसे छीन ली थी उनके ज़िंदगी से, वो जगह आपको वापस देने वाले हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मेजर डिसीजन देने वाले हैं ये पर्सन। ओके, तो ये बुझ गया है, वैसे भी रीडिंग भी ख़त्म हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो वो टाल रहे थे, चाहे फिर वो स्टेबिलिटी देने की बात हो, चाहे फिर वो आपके करीब आने की बात हो या कमिटमेंट देने की बात हो, दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग रियली स्टेबल। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी कैंडल आपकी जला लेते हैं और आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने वाली, ये देखना इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये मेरी ही फीलिंग्स है या मैं ऐसा फील करती हूँ अक्सर, ठीक है, या करता हूँ, वट एवर। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने वाली है। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे,
आपका दिल कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी आपको लगेगा कि इस पर्सन ने मुझे इतना परेशान किया और ये अब ये आ रहा है मेरे पास, अब इसको मुझसे क्या चाहिए। ठीक है, आपकी फीलिंग ऐसी हो सकती है, आपको लगेगा कि इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया इस इंसान ने मुझे, और अब ये कौन सा मुंह लेकर मेरे पास वापस आ रहा है। तो आपके अंदर गुस्सा भी होगा, आपके अंदर अकेले रहने की इच्छा होगी या इनसे दूर दूर जाने की भी इच्छा होगी, और कभी कभी आपका दिल कहेगा नहीं ठहर जा, आ गया है तो इस चांस को मत जाने दे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, पर चाहते तो आप भी हो, आप भी चाहते हो ये पर्सन और आपके बीच कोई भी दूरियां ना रहे, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, आप दोनों को यूनिवर्स एक मौका दे एक दूसरे के साथ एक होने का। ओके, आप चाहते हो कि कोई मैजिक हो जाए और ये पर्सन और आपके बीच पहले जैसे सिचुएशंस हो जाए। ठीक है, आप कितना भी दिखाते होंगे ऊपर से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे तुम मुझसे दूर हटो, ये सारी चीज़ें, लेकिन आप चाहते हो इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन का साथ, और आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे दूर रहे किसी भी रीज़न की वजह से, बट आप दिखाने के वाले हो, जैसे आप फूक फूक कर कदम रख रहे हो, आप डर रहे हो अभी इस पर्सन पे ट्रस्ट करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को अनब्लॉक कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी पता नहीं अचानक से इच्छा होगी, और अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो आप इनको अनब्लॉक कर दोगे, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो आप चाहोगे कि कुछ मैजिक हो जाए और ये आपको अनब्लॉक कर दे। ठीक है, क्योंकि यू कॉन्ट बेयर इट, आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन आपको ब्लॉक्ड रखे। हो भी सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दें। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे आपके साइड में फील हो रही है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा, आपकी इच्छा होगी इस पर्सन को टच करने की, फील करने की। तो देख रहे हो आप एक दूसरे की एनर्जी, आप मिरर कर रहे हो लिटरली, यहाँ पे काफ़ी लोग एक ट्विन कनेक्शन में हैं। ठीक है, तो आप जैसा फील करोगे एग्जैक्टली आपके पर्सन भी वैसा ही महसूस करने वाले हैं, उन्हें भी फील होगा कि मुझे इसको टच करना है, मुझे इसे फील करना है, मुझे ये चाहिए अपने ज़िंदगी में, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की होने वाली है, दे विल वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। ठीक है, उन्हें इच्छा होगी आपको टच करे, फील करे, और आपकी भी इच्छा होगी कि मुझे पैशनेट फीलिंग दोनों के अंदर होने वाली है। देखिए आप बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है, देख रहे हो फ्लेम देख रहे हो, आपके बाप रे बाप, आपके साइड में तो बहुत ही स्ट्रांग मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, आप तो इस पर्सन से भी ज़्यादा प्यार करते हो इनसे। ठीक है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है, आपको लगता है कि आई डिज़र्व बेटर, कभी कभी आपका मन कहता है कि आई डिज़र्व बेटर, मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी, मैं कुछ बन के दिखाऊँगी। यू हैव अ स्ट्रांग डिज़ायर कि आप इस पर्सन को प्रूव करो कि तुमने क्या खोया है। ठीक है, अगले 72 आवर्स में 70% आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि नहीं भाई बहुत हो गया, तेरा प्यार तेरे पास रख, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, या मेरे पास मत आ। लेकिन 30% आपकी एनर्जी ये भी रहेगी कि येस आई वॉन्ट यू बैक, आई लव यू, आई मिस यू, बट आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, विच इज़ रियली गुड थिंग, आई अप्रिशिएट कि अगर आप रीडिंग्स देख के इतने स्ट्रांग हुए हो तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी बात करूंगी, मैं और किसी की नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे, बट सच में यार ऐसे ही रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे रहोगे ना स्ट्रांग कंट्रोल में, तो ही आपके पर्सन के अंदर वो जो फीलिंग्स मैंने आपको बताई वैसे आप देख पाओगे चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फ डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकता है, काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको बस अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए। ओके, मैंने बोला आपको काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट, पेरेंट ही बोलूँगी मैं, मदर फादर नहीं बोलूँगी, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट हो, एंड दैट इज़ रियली गुड थिंग, एंड आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू कि मैं कितनी कितना अच्छा डिजर्व कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एंड में मुझे यहाँ पे रियूनियन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों के रियूनियंस होने वाले हैं विद देयर पर्सन। ठीक है, एक न्यू ऑफर आएगी आपके सामने इस पर्सन की तरफ से, एंड रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, ढेर सारी बातें करोगे जो दिल में अब तक दबा के रखी थी एक दूसरे के लिए, ढेर सारी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी है गाइज, आई जस्ट वॉन्ट के आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, और आप दोनों गुड न्यूज़ मुझे, आप आके मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ दो चैनल पे।
पता है आपको, आप इस पर्सन के सामने आपका गुस्सा टिक नहीं पाएगा। आप चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, आप 2 मिनट में शांति आपको पर्सन कर देंगे, क्योंकि ये इतने होशियार है, इतने इंटेलिजेंट पर्सन है कि इनको पता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, आपका सॉफ्ट पॉइंट क्या है, वो वहीं पे हिट करेंगे। ठीक है, दे नो कि आपको मनाना कैसे है, आपको समझाना कैसे है। तो चालाक पर्सन से डील कर रहे हो आप, लेकिन आपका प्यार, आपका पैशन ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पर्सन। ठीक है, आप इमोशनल ज़्यादा हो, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, और ये पर्सन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल ज़्यादा है, लेकिन अगले 72 आवर्स में ये इमोशनली ज़्यादा सोचेंगे। अगर ये पहले अपने करियर के लिए ज़्यादा आपको छोड़ देते थे, या किसी भी चीज़ को छोड़ देते थे, इमोशंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं अगर देते थे पहले, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इमोशंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे, आप फिर से अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप फिर से खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हो, आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट अगर ऐसा है तो, क्योंकि अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। हमेशा ही हम इस अलग दूसरे पर्सन के बारे में क्यों सोचें, राइट? बी रेडी फॉर रियूनियन गाइज, बहुत लोगों का रियूनियन होने वाला है यहाँ पे। मुझे कुछ लोग तो यहाँ पे फिजिकली मिलते हुए भी दिख रहे हो, मिलकर सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हो, फिजिकल यू नो इंटीमेसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन ज़्यादा दुखी रहेंगे, आप थोड़ा संभले हुए नज़र आ रहे हो मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गाइस, तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ ट्री है, और आप इसको ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ होता है रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को हील करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, तो वैसे ही ये जो ट्री है, ये आप जहाँ रखोगे, जिस भी वास्तु में रखोगे, उस घर में उस वास्तु के सारे लोग एकजुट रहेंगे। तो अगर आप ये अपने घर में रखते हो, तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, उनके नाम से मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी, तो सारे लोगों की एक दूसरों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आप अगर इसको किसी को गिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपके कोई बहुत खास दोस्त है, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी है, उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा, मैं उनके नाम से एक्टिवेट करूंगी, आप दोनों के रिश्ते के नाम से एक्टिवेट करूंगी, जिससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, आप दोनों में प्यार बना रहेगा, क्लोजनेस बनी रहेगी, यू नो वो आपके लिए अच्छा ही फील करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो रोज़ क्वार्ट्ज ट्री आप जहाँ रखोगे, जिन जिस नाम से एक्टिवेट कराओगे, वो उस रिश्ते को बेहतर करेगा। ठीक है, और आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में भी इसको रख सकते हो, ताकि आपके जो मतलब आप जहाँ काम करते हो ना, उस डेस्क पे रखोगे ना, तो जितने आसपास आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो हर रिश्ते को ये बेटर करता है। तो अगर आपको ये लेना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो मुझे, आपको सारी डिटेल्स मेरी टीम दे देगी, और आपको यू नो होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती थी, इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जो बॉयफ्रेंड है, आपके जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो हस्बैंड है, वाइफ है, या किसी के भी साथ अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तो रोज़ क्वार्ट्ज उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये ब्रेसलेट फॉर्म में आता है, रिंग फॉर्म में आता है, या फिर पेंडेंट फॉर्म में आता है, ट्री फॉर्म में भी आता है, आपने देखा होगा इससे पहले। सो अगर आप लेना चाहते हो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, इवन ये आपके सेल्फ हीलिंग में बहुत मदद करता है। अगर आप इसको पहनोगे ना, ये आपके अंदर एक अनकंडीशनल प्यार जगाएगा अपने खुद के लिए और सबके लिए, जिनके लिए भी, जिनके साथ भी आपके रिश्ते हैं ना, सारे रिश्ते सुधार देगा। अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, तो ये क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट करा के पहन लो, और आप जादू देखोगे कि वो पर्सन कैसे आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएंगे। उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैशन बढ़ जाएगा, पहले जैसे प्यार करते थे ना आपसे, एग्जैक्टली वैसा ही प्यार आपसे करने लगे।
लगेंगे। सो रोज क्वार्ट्ज चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जाइए और बुक करिए अपने लिए, एक ही बार लेना है आपको, बार बार नहीं लेना है। इसको अच्छे से एक्टिवेट करा लो मुझसे जिस भी पर्पज़ के लिए आप चाहते हो एंड देखो मैजिक। और अगर इन केस आपको लगता है कि आपको जल्दी लोगों की नज़र लग जाती है या किसी को भी जिसको भी आप ये क्रिस्टल देना चाहते हो, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, अगर आपको लगता है कि जल्दी नज़र लग जाती है या फिर आपको आपके कोई काम नहीं बन पाते, काम बनते बनते रह जाते हैं या आपके ऊपर बार बार कोई टोना टोटका कर देता है, तो आप जिनके लिए भी ये एक्टिवेट कराओगे ना उनको उस चीज़ से निजात भी मिलेगी, कोई नज़र वज़र लगी है तो उससे निजात भी मिलेगी और आगे भी प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ब्लैक टॉर्मेलाइन कहते हैं इसको। तो आप ये भी मुझसे ले सकते हो, आप ये किसी और को भी दे सकते हो ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रह पाए, अपनी फैमिली पूरे फैमिली को आप पहना सकते हो ये, ठीक है। और अगर ये दोनों साथ में पहन लेते हो ना तो ये आपके रिश्ते को हर नेगेटिविटी से बचाता है, हर बुरी नज़र से बचाता है। कोई जलन के मारे अगर कोई आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, टोटके टोने कर रहा है, उससे ये आपके रिश्ते को बचाता है। तो प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन है, आप इसको पहनो अपने रिश्ते के लिए और देखो क्या जादू होता है, किस तरह से हील होता है आपका रिश्ता, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नज़र लगने की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज़ तो बहुत ही बेहतरीन है। सो या आपको सारे नंबर्स यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऑर्डर कर लो और पहनो और मैजिक देखो।